क्या दोस्तों आपका भी क्रोम में बाइटी स्टूडियो नहीं खुल रहा है? क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब स्टूडियो क्यों नहीं खुल रहा है? दोस्तों यदि आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हो तो आप आसान तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्रोम ब्राउजर में आपका यूट्यूब चैनल खुलेगा, आपका वाईटी स्टूडियो खुलेगा, यूट्यूब का वाईटी स्टूडियो खुलेगा, आपका ये ऐप वाला वाईटी स्टूडियो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप में जो आपको तरीका बताऊँगा वो आपको कर लेने होंगे और कोई ना कोई तरीका आपका ज़रूर फिट बैठ जाएगा आपके इस मोबाइल में। ठीक है, कोई भी स्मार्टफोन हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं बताता हूँ। दोस्तों मैं 100% नहीं, मैं 110% गारंटी लेता हूँ इसकी कि आपके क्रोम में वाईटी स्टूडियो खुलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्रोम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो क्रोम पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं YouTube.com, जैसे हम यहाँ पे YouTube.com लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा YouTube.com खुल गया है और इसे हम डेस्कटॉप फ्लैट पे ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे हम इसे जूम करते हैं। जूम करेंगे तो यहाँ लोगो पे हम टैप करेंगे और ये देखो YouTube स्टूडियो, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा स्टूडियो खुल जाएगा। ठीक है, आपके सामने विद प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, हमारा यहाँ स्टूडियो खुल गया है। ठीक है, लेकिन आपका इस तरीके का नहीं खुल रहा है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपल से जाना है गूगल के प्ले स्टोर में, यहाँ पे आपको लिखना है क्रोम। क्रोम लिखेंगे, इसे आपको यहाँ से अपडेट करना है। क्या करना है, इसे अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, आपको सिंपल से जाना है मोबाइल की सेटिंग में। ठीक है, मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, अब यहाँ पे आप ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे वो तरीके बता रहा हूँ सबसे पहले जो पॉपुलर हैं। ठीक है, पॉपुलर सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक तरीका ऐसा बताऊँगा जिससे आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना होगा। तो चलिए सेटिंग में आके यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट में चला जाना होगा। ठीक है, आपके फ़ोन में जो भी ऐप होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे आपको चले जाना होगा। ठीक है, ऐप लिस्ट वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल से आपको यहाँ पे क्रोम को ढूंढना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर को यहाँ ढूंढना है, यहाँ ऊपर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं क्रोम। ठीक है, जैसे हम लिख रहा हूँ क्रोम, ये देखो इस पर हमने टैप कर दिया। अब इसे आपको फोर्स स्टॉप करना है, स्टोरेज यूज पे क्लिक करेंगे, क्लियर कैच करेंगे। ठीक है, क्लियर डाटा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। ठीक है, कोई कह रहा है कर दीजिए, नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब परमिशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट की और लोकेशन की परमिशन नहीं देनी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, कॉन्टैक्ट आपको परमिशन नहीं देनी है। नेक्स्ट पिक्चर इन पिक्चर, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो सकता है आपके फ़ोन में, नहीं हो सकता। ठीक है, मेन सेटिंग क्या होती है, ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका क्रोम खुल रहा है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके डिसेबल मतलब खुल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्रोम सही चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, आपको सिंपल से फिर से जाना वाल की सेटिंग में। ठीक है, वहाँ पर फिर से जाना है जहाँ पर आपके ऐप होते हैं। ठीक है, ऐप में चलता हूँ, ऐप लिस्ट पर चलता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ वाईटी स्टूडियो। ठीक है, वाईटी स्टूडियो, ये देखो रहा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, इसे आपको यहाँ से फोर्स स्टॉप करना है। ठीक है, फोर्स स्टॉप करेंगे, स्टोरेज यूज पे क्लिक करें, क्लियर कैच, इसका क्लियर डाटा भी आपको कर देना है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर डाटा भी कर देना है, परमिशन यहाँ नहीं खुलेगी, ओपन बाय डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपका खुलेगा 100%। ठीक है, अब यहाँ पे आपको होगा ऑलवेज आस्क, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करके रखना होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ ये देखो मिलेगा आपको सपोर्टेड लिंक, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, बस आपका काम हो गया, 100% हो गया। तो आपको सिंपल से क्रोम में जाना है, क्रोम में इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पे YouTube.com लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसे डेस्कटॉप शॉट पे आपको लेना होगा। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देख सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पे आप वीडियोस भी अपलोड करते होंगे तब भी ये इस तरीके से, जैसे हमने वीडियो अपलोड पे क्लिक किया, ठीक है, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब यह देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये देखो अब मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कोई भी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट तरीका क्या है दोस्तों, आपको यहाँ लोगो पे टैप करना है अपने पे। ठीक है, यहाँ पे लोगो पे टैप करना है और जैसे यहाँ पे यहाँ पे एक स्टेप पीछे चलेंगे। ठीक है, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। यहाँ पे हम इसे इस तरीके से जूम करेंगे, लोगो पे टैप करेंगे, अब यहाँ देख सकते हैं YouTube स्टूडियो पे हमने क्लिक किया,
तो ये आपका सीधा खुलेगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका खुल जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं खुल रहा है फिर आपको क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन को क्या करना है, अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इसे बाइटी स्टूडियो को आपके फ़ोन से आपको हटा देना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से क्रोम ब्राउज़र खोलना है और वो पेज यानी कि एक ये पेज है, ठीक है, इसे आपको यहाँ पर सेव करके ही रखना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ से नहीं हटाना है आपको, ठीक है। ये डाउनलोड कर लेना है, आपका फिर से अगर होने लगता है तो आपको इस पेज को यहाँ पर ही रखना है और ये फालतू के और आपको यहाँ पर इस तरीके से हटा देने हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप काम करें तो ये यहाँ पे सेटअप करके रखना है, ठीक है, और यहाँ पे इसे इस तरीके से ले लेना होगा, ठीक है। ऐसे काम आपको चलाना पड़ेगा, आपके फ़ोन में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे काम करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाइटी स्टूडियो की जो प्रॉब्लम होती है यानी कि क्रोम पे जो आपका बाइटी स्टूडियो खुल जाता है, ये वाला ऐप खुल जाता है, वहाँ पे आपका स्टूडियो नहीं खुल रहा है यूट्यूब का, तो इस तरीके से खुल जाएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ मैं। जय हिंद।